बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। वॉइस टीवी में आप सभी का स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वॉइस टीवी यूपी की टीम लगातार फिरोजाबाद की पांचों विधानसभाओं में जाकर और उनके गांव और क्षेत्रों में जाकर वहां का माहौल दिखा रही है। गांव के लोगों से हम सीधी ग्राउंड जीरो से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि उस गांव का क्या माहौल चल रहा है, किसकी सरकार वो चाहते हैं और किसको नापसंद करते हैं, क्या दोबारा से इसी सरकार को मौका देना चाहते हैं। हमारे साथ जो है काफ़ी लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। इस समय हम मौजूद हैं शुक्राबाद के राजा के ताल पर। हमारे साथ काफ़ी कुछ नौजवान भी हैं, हम उनसे सीधी बात करेंगे, उनका क्या कहना है और 22 में वो किसकी सरकार चाहते हैं। क्या नाम है आप? आशीष यादव जी। आप 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी की क्यों चाहते हैं? दोबारा इस सरकार को मौका देना क्यों नहीं चाहते? इस सरकार ने पहले हमसे बोली कि हम आपको लैपटॉप टैबलेट देंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया। हम हाई स्कूल पास है, इसने हमें डायरेक्ट पास कर दिया, ना तो हमारे प्रैक्टिकल कुछ नहीं करवाया इसने, हमें पास कर रही है, बाद में जाके हमारे भविष्य को बिगाड़ेगी ये। हमें कुछ आता नहीं है, इसने ये नहीं देगा, बोर्ड वाले बच्चों को पास करवा दिया। और हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि सभी बच्चों को लैपटॉप बांटेंगे, इन्होंने ना लैपटॉप बांटना, कुछ लखनऊ में आके कुछ बच्चों को लैपटॉप टेबलेट बांट दिए। और अभ्योदय योजना इन्हें चलाई, उसमें बोला कि हम बच्चों को यूपीएससी वालों को और क्या कहते हैं एनडी वाले बच्चों को सबको टेबलेट देंगे, इन्होंने कुछ नहीं दिया। केवल ये सरकार अगले चार जी के काम को आगे बढ़ा रही है और कुछ नहीं कर रही। हमारी यूपी 100 नंबर थी, इन्होंने 112 कर दी, उससे हमें कुछ मिल रहा है? वही सरकार अगले दे रही थी, वही ये दे रही है, ये कुछ काम नहीं कर रही है, बच्चों का भविष्य बिगाड़ रही है और कुछ नहीं है। अभी हमको पास कर रही है, बाद में जाके क्या कहती है हमें कुछ आएगा नहीं तो हम कैसे टेस्ट निकालेंगे। हाई स्कूल हमको इसने पास करवा दिया, क्यों पास करवा दिया? हम इस लायक थे कि हमें पास करवा रही है? सब बच्चे इसने एक ही रेस में दौड़ा दिए, चाहे कुछ जानता है चाहे नहीं जानता है, सबको 80+ दे दिए। इससे क्या मतलब है? जो जानता है और नहीं जानता दोनों को बराबर की टक्कर दे रही है। जैसे बाबा जी खुद मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, जैसे सबको चाहती है कि बिना पढ़े लिखे बच्चे मुख्यमंत्री बन जाएं। अब सब तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो फिर क्या होगा देश का? ये सरकार अपन अनपढ़ है और हमको भी अनपढ़ चाहती है कि बच्चे नहीं पढ़ेंगे और नौजवान नहीं पढ़ेगा तो देश की तरक्की कैसे होगी? पढ़े के पीछे जनता पूरी बोल रही है कि राशन फ्री है, चलो भाग के चलो। फ्री की कोई भी चीज हो, मिट्टी भी मिल जाए आपको उसे भी ले जाओगे। राशन फ्री नहीं दे रहे हैं, राशन तो अगले सरकार से चल रहा है। राशन की रेट क्या है? 1 रुपए थी पहले, आज फ्री हो गया वो। अब 1 रुपए के लिए आप कह रहे हो राशन, हम राशन देंगे योगी जी को और मोदी जी को, हम राशन दे देंगे, लेकिन ये गाय सब खत्म कर दो, हमारे खेत में इतना हो जाएगा अन्न कि हम उनको भी दे देंगे 1 क्विंटल। खेतों में किस तरह की परेशानी जो है नजर आती है आपको? गाय सबसे मेन चीज तो गाय और बैल वगैरह, ये गाय है इतनी कि आप, हम इस साल ही एक फसल में बिल्कुल कुछ नहीं लेके आए, 1 किलो दाना नहीं लेके आए, तो हम 5 किलो गेहूँ से क्या हो जाएगा? खाने वाले बच्चे हैं, परिवार है, 5 किलो गेहूँ में एक आदमी का पेट भर जाएगा पूरे महीने में। आप बताओ गायों से क्या परेशानी हो रही है आपके खेतों में? गाय खेत खत्म कर देती है, खा लेती है, तैयार नहीं होने देती है फसल को, तब तक खत्म कर देती है। अभी आपको आपको टाइम लगेगा ना, आपको दिखाते अपने खेत हम जाके, अब हम खेत के लिए तैयार ढाड़े, तब तक आपने रोक लो मजबूरी करेंगे। अभी ड्यूटी से आए 2 बजे, ड्यूटी से आने के बाद खेत में जाएंगे सीधे, भाई आएंगे 10 बजे, खाना पीना खाओ, फिर 11 बजे फिर खेत में पहुंचेंगे। ये चीज समस्या है सबसे बड़ी, इसलिए हम चाहते हैं अखिलेश सरकार आए और ये गाय की समस्या सॉल्व करें। इन्होंने 1 गाय के लिए 35 रुपए रखे हैं। सरकार ने ये भी तो कहा है कि हमने उन गायों के लिए गौशालाएं बना दी हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, गायों के लिए गौशाला बनाई सरकार ने, गाय के लिए 35 रुपए का भोजन दिया, 35 ऊपर से आए जो गाय को चारा डालेगा वो वहां से 2 रुपए खाएगा, 2 रुपए और ऊपर वाले ने खत्म कर दिए, गाय पे 30 रुपए बचे। आज 16 रुपए और 17 रुपए किलो भूसा आ रहा है, 2 किलो गाय भूस खाएगी? आप बताओ, 1 किलो मैं रोटी खा लेता हूँ आटा, तो गाय कितने में भरेगी?
5 किलो कम से कम चाहिए उसे। तो फिर कहाँ है गौशाला, कहाँ से खाए और कहाँ गौशाला है? गौशाला गौशाला गाँव में कोई गौशाला नहीं है, कोई गौशाला नहीं है हमारे गाँव में। आप देख लो, चल के दिखाते हैं आपको, देख लो सर्वे कर लो, कोई गाँव में अगर मिल जाए गौशाला तो आप बोल देना। 10,000 की आबादी के अंदर में भी फिर भी यहाँ पर कहीं भी गौशाला नहीं है। और राशन तो हो गया, हमारे साथ यूथ हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो है हम जो है सरकार को बदलना चाहते हैं, सरकार से हम बिल्कुल भी खुश नहीं है, हमारी शिक्षा को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है। आने वाली सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? आने वाली अखिलेश यादव की सरकार आने वाली है, ये आप सबको पता है। 300+ होगी ये सरकार, क्योंकि नौजवान चाहता है कि सरकार आए। इन्होंने हमारे किसान अन्नदाता पे ये ट्रैक्टर चलवा रहे हैं, इससे क्या मतलब है? हमारे अन्नदाता है वो, हम इन्हें ये नहीं पता है, गूगल से रोटी का वो डाउनलोड हो सकती है कि सरकार किसान रोटी देगा हमको, इन्हें ये नहीं पता है। उन पर ट्रैक्टर चलवा वो पास चलवा रहे हैं, वो क्या कहते हैं उनका मंत्री का बेटा है, उसकी इन्होंने गिरफ्तारी करवा दी। हमें क्या पता है कि वो जेल में कैसी है? और गरीब घर पर जाके भोजन करते हैं, 5-स्टार होटल का ये खाना मंगा रहे हैं और कहते हैं गरीबों घर पे जाके हम भोजन कर रहे हैं SC ST वालों के घर पे, इससे क्या मतलब है? हमारे अखिलेश यादव, हमें अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनसे आप क्या उम्मीदें रखते हैं? अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव आएंगे तो क्या कहते हैं बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा और कुछ नहीं है, वो युवाओं को नौकरी देंगे। इस सरकार का कहना है कि हमने भी तो नौकरी जो है निकाली, नौकरी दी, हमारी गली में केवल 2 लगे हैं और कोई नौकरी पर लगा कोई नहीं लगा है, वो भी केंद्र की नौकरी है, और वो भी केंद्र की नौकरी है सर। इसकी तरफ से ना तो ये SC क्या कहती है वो 2 नहीं है, सब टेट वाले पेपर रद्द कर दिए, सब कोई भी पेपर इसमें क्या कहती है वो नहीं हो रहा है कि क्लियर हो जाए पेपर, सब पेपर रद्द हो जाते हैं कि इसमें चीटिंग हो रही है, इसमें ये हो रहा है वो हो रहा है, पर पेपर कोई पूरा नहीं हो रहा है। सरकार का ये कहना है कि उन्होंने तो जो है मुन्ना भाइयों को अंदर करा है। कौन मुन्ना भाई है यहाँ पे? क्या कहते हैं हाथरस में वो बेटी के साथ इन्होंने रेप करवा दिया क्या कहती है, और इसमें जिंदा बेटी पर आत्मन ने पेट्रोल डलवा दी, वो नहीं देख रही हो वो कहाँ से हो रहा है? अगले चार की सरकार में 2,50,000 कुछ केस थे और इसमें 3,00,000 हो गए, क्यों हो रहे हैं ये केस? क्या कहते हैं हम तो चाहते हैं ये सरकार चली जाए, ये अभी तो क्या कहते हैं राज्य से जाएगी, आने वाले 2024 चुनाव में ये प्रदेश वो क्या कहते हैं केंद्र से भी चली जाएगी। जी बड़ी बात, KP यादव नाम है मेरा सर। 2022 में आप किसकी सरकार चाहते हैं? मैं सर अखिलेश यादव की सरकार चाहता हूँ। क्यों अखिलेश यादव की सरकार क्यों चाहते हैं? वो कि एक योग्य आदमी, शिक्षित आदमी, वो जानते हैं ना राज्य को कैसे चलाना है, बाबा को क्या है, उन्होंने तो अपने लिए मंदिर बनवा लिया है, उन्हें का टेंशन है। युवा देखो कितना फिर रहा है अभी, 21-22 लाख युवा फिर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है पुलिस के लिए, हम 5 साल से बैठे हुए हैं, सब क्वालिफाई करें और रोजगार कहाँ मिल रहा है बताओ। सरकार का कहना है कि उसने पुलिस व्यवस्था को काफ़ी अच्छा कर दिया जो पिछली सरकारों में थी, अब उससे काफ़ी अच्छी जो है बदलाव प्रशासन के अंदर नज़र आ रहा है। आप बताइए क्या डेवलपमेंट किया है उन्होंने? वही बस एक 100 का 112 कर दिया है और क्या कर दिया है, वही प्रस्थान है वहाँ पर, कोई वैकेंसी क्लियर ही नहीं हो रही पुलिस की, कोई भर्ती क्लियर ही नहीं हो रही, बताओ क्या हो रही बताओ आप, बताओ 5 ही काम गिना तो मुझे भाजपा के मैं ऐसे सहमत हो जाऊँगा, और बताओ गिनाओ आप, मैं आपको अखिलेश के 10 गिना दूंगा, ऐसी क्या बात है जी बताएं। आप पहले 5 तो गिनाइए मुझे, पहले आप बाबा ने क्या किया ये तो गिनाइए आप। उनका कहना है कि उन्होंने जो है रसोई में जिन लोगों महिलाओं के घर पर चूल्हे नहीं थे उन्होंने वहां पर गैस सिलेंडर को दे दिया, उसके बाद में राशन की बात करती सरकार की, हमने राशन फ्री बांटा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो राशन बांटा तो क्या हो गया, अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटा, CCR का है, फ्री में दिया है तो 1,000 सिलेंडर दिया है तो क्या 1,000 का उसमें बिल भी तो बढ़ा दिया है, पेट्रोल 100 के ऊपर पार चल रही है। लोगों का कहना है कि अगर 4,000 रुपये भी सिलेंडर मिलेगा तो भी हम जो है इस सरकार को चलवाएंगे, क्योंकि बिल्डोजर चलवाने वाली सरकार कहा जा रहा है। हाँ तो बिल्कुल कहा जा रहा होगा, तो दबंगगिरी तो है ही, आप देखो ना युवाओं ने इलाहाबाद में जो कि शिक्षा मित्र हैं उन्होंने युवाओं ने प्रदर्शन किया, उनमें लाठियां पड़वाई उन्होंने भीतर जाके, ऐसे थोड़ी होता है, दबंग सरकार कुछ भी कर सकती है, आप बताइए जी। आने वाली सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? बहुत उम्मीदें आने वाली, क्या क्या उम्मीदें हैं आपको? रोजगार देगी वो, माहौल अच्छा करेगी, शिक्षित सब चीज जानती है ना सरकार, वो शिक्षित सरकार में माहौल अच्छा नहीं है, मुझे तो लग नहीं रहा है अच्छा, युवा फिर रहा है ना, सबसे मेन कारण है युवा भैया, जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक युवा सेटिस्फाई नहीं होगा, और इसका परिणाम अब युवा देगा, इस चुनाव में देगा इसका रिजल्ट बाबा को, बाबा देख रहे हैं ना बाबा को, तो बस वही धर्म अधर्म जाति विजाति की कोई राजनीति है, मुझे हिंदू मुस्लिम मतलब तुम क्या मतलब, तुमने कितने मुस्लिमों को बजा दिया, ये कर रह गया, सब यहीं है, सब यहीं की थमे हुए हैं, अब देखो यही वाली सरकार आके डेवलपमेंट करेगी, ये तो है जी। यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि इसी सरकार को वो जो है बदलना चाहते हैं और दूसरी सरकार चाहते हैं वो जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा प्रभाव भगवती प्रसाद नाम बघेल है जी। अपनी विधानसभा में किस तरह का प्रत्याशी आप चाहते हैं और प्रदेश में किस किस सर पर ताज सजाना चाहते हैं जी?
मुकेश वर्मा जी को हम लोग लाना चाहते हैं और इस गांव का नया एक आवास होगा, उसमें अलग अलग से उनकी उमंगें निकलेगी और युवाओं को और ये बेरोजगार घूम रहे हैं और ये फैक्ट्रियां तमाम बंद पड़ी हुई हैं और बाबा साहब के पाइस में आप किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश भैया के। क्यों अखिलेश यादव की क्यों सरकार चाहते हैं? क्यों यूँ चाहते हैं कि ये सारे बच्चे बेरोजगार हैं और उन्होंने ये बिजलियों की जो लूट कर रहे हैं, ये बिजली विभाग के, और ये अन्न किसी पे बिल हो रहा है किसी पे नहीं हो पा रहा है तो केबल काट देते हैं और उनका हर तरीका से भ्रमण हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश भैया की सरकार ही आनी चाहिए। पिछले 5 साल में इस गांव में क्या क्या विकास हुआ है? हमारे गांव में तो कुछ नहीं हुआ सर जी, जो RCC तो पहले की बनी हुई है, कुछ नहीं हुआ हमारे गांव में। मतलब सरकार में कोई विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ, बस जल योजना का सिलेंडर कुछ महिलाओं को मिल गया, 1000 रुपये कहाँ से आएंगे भरने के लिए? रोजगार ही नहीं है किसी के पास, पैसा है ही नहीं, कहाँ से लाएं पैसा? जी आप क्या कहेंगे 22 में किसकी सरकार आनी चाहिए? अखिलेश जी की। क्यों अखिलेश यादव जी की क्यों? पिछले 5 साल में क्या क्या विकास हुआ इस गांव में? इस विकास नहीं हुआ है इस गांव में, बिल्कुल भी कोई विकास नहीं है। लैट्रिन बनी हुई है, आपको दिखाते हैं कितनी बढ़िया लैट्रिन बनाई हुई है जी, जितनी लैट्रिन बनी हुई है उन्हें दिखाते हैं। अभी ये बच्चा बोल रहे हो, कुछ बोले थे कि युवा है, ऐसा नहीं है कि युवा ही युवा साथ में हो, किसान भी साथ में है। आप यहाँ पे वो गली में आके सर्वे कर रहे हो, आप खेत में जाके सर्वे करो जी। हम तो लगातार खेतों में भी जा रहे हैं और सारी जगहों पर हमारी टीम जो है सर्वे कर रही है, बिल्कुल एक एक क्षेत्र का हम जो है सर्वे कर जो है जनता को दिखा रहे हैं। नहीं आप खेत की तरफ जाके एक सर्वे करके देखो, उसको फिर पहुंचाओ आगे के लिए। और 300 रुपए वाले हमने मजूरी करेगा, 300 रुपए वाला आदमी है, जैसे उसका खेत है वो एक बीघा खेत को रखाएगा कि वहाँ मजूरी करेगा बच्चों को खिलाएगा, जब आप बताइए जी। हाँ इस बच्चे ने कहा था कि राशन मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा, राशन अगले सरकार में भी मिला था, 5 साल पहले भी मिला था, लेकिन उसके कुछ पैसे रखे थे 2 रुपए किलो या 1 रुपए किलो, वो 1 रुपए कम कर दिया, खत्म कर दिया, फ्री राशन कर दिया है। राशन फ्री तो कर दिया है, 1 रुपए कम कर दिया। आप कह रहे हैं सब लोग राशन बढ़ रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, राशन तो अगले सरकार। हमारे साथ इस गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है और वो किसकी सरकार चाहती हैं। नमस्ते अम्मा। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? श्री नारायण जी। 2022 में आप किसकी सरकार चाहती हैं? अखिलेश की। क्यों अखिलेश यादव की क्यों चाहती हैं? अच्छा है। क्यों ये सरकार अच्छी नहीं है? नहीं अच्छी। पिछले 5 साल में गांव में क्या क्या विकास हुआ? कोई विकास ना, कोई विकास हमारे 2.5 साल के अंदर में कोई विकास नहीं है। पहले बात सुनो, देखो वो तो नहीं बोल पाए, हम बोल रहे हैं। जी जी बताएं, आप बताएं। जो गांव में घर में बिजली दी जाती है उस पर तुम बिल ले रहे हो, अगर मैं भरने लायक मैं भर दूंगी, ये नहीं है तो ये कहाँ से भरेंगी? मतलब कहाँ से भरेंगी? मीटर लग गए, ये लाइट पड़ी है, तार निकल गए, 200 रुपए दो मिस्त्री को बुलाओ तब पानी भरो, 3 दिन आएगा नहीं, मिस्त्री बैठे रहो घर पर, क्या करेंगे? पानी हो वो भी छीन लिया, बिजली छीन ली, नौजवानों को वो सर्विस दे नहीं रहे, क्या कर रहा है मोदी? कुछ नहीं कर रहा है। मेरी तो मारे तो रायताल में कुछ किया ही नहीं उसने। अच्छा आप लोगों को बता दें कि महिलाओं को हमने जो है गैस के गैस कनेक्शन जो दिए सिलेंडर दिए थे तो वो 1000 रुपए भरने वाले कर दिए, तो क्या फ्री दे दिए गैस कनेक्शन? गैस बढ़ा दी और क्या कहते हैं उसमें जो सब्सिडी आती वो बंद कर दी, कहाँ से देंगे ये? क्या फ्री दे दिया? 5000 का सिलेंडर 10000 वसूल रहे तो क्या फ्री दिया? कुछ नहीं। फ्री राशन मिल रहा है महिलाओं को? कुछ नहीं, किसी महिला को नहीं मिल रहा है, ये अब तक मिल रहा है इस महीने के बाद वो भी खत्म। अगर जीतते हैं मोदी जी तो कुछ नहीं मिलेगा, सब ये बकवास है, राशन से कुछ नहीं होता है, राशन से कुछ नहीं। जो हमारे नौजवान बच्चे डोल रहे हैं उन्हें भर्ती दो, उन्हें भाई सर्विस दो। जो क्या कहते हैं जुलाई में एयरफोर्स का टेस्ट कराया था, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, क्या करेंगे बच्चे? कहाँ से पढ़ाई लाएं? कहाँ से पढ़े बच्चे ये तो बताओ, कहाँ से पढ़े? यादव लोग हमारे सारे जवान बेटा डोल रहे हैं, ये क्या करेंगे? कोचिंग कर करके घर पे आके बैठ गए, क्या करें? पूरी साल हो गई, 2 साल से अभी तक तो उसने कोरोना में मार दिए, क्या कहीं पढ़ाई नहीं है, फिर कहीं भर्ती नहीं निकल रही है, क्या करें बच्चे? कहाँ जाएं? और तुम तो विदेश यात्रा कर रहे हो, तुम्हें तो अपनी यात्रा से मतलब है, तुम्हें नौजवान भाइयों से कोई मतलब नहीं है।
तो क्या करेंगे, वोट डाल दे वहाँ जाएं और तुम्हें वो बनाए सीएम बना के, सीएम बना के क्या करेंगे, कोई मतलब तो है नहीं है। निराश आप जी हमारे भाई, याद देखो इनकी उम्र कितनी हो रही, एक साल बाद ये तो रिजेक्ट, क्या क्या देखेंगे, कारखाने में जाएंगे भूंजेंगे जाके बच्ची को, क्या करेंगे हैं, जो जो बच्चे हमने पढ़ाए हैं इतनी मेहनत से, क्या करेंगे। आज अखिलेश भाई के राज्य में मेरे दो बेटे लग गए, अभी तक हमारे गांव में कोई नौजवान नहीं लग पाया, निकाली नहीं भर्ती अभी तक। तो आप आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं? आने वाली सरकार से हम अपनी सपा सरकार अखिलेश भाई से बहुत उम्मीद रखते हैं, आज वो आएंगे तो हमारी यादव जाति को बहुत कुछ मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव यादव है। 2022 में आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम अखिलेश भाई की सरकार चाहते हैं, उन्होंने 2022 जो आई है इसमें अगर उनकी सरकार आती है तो वो अच्छे अच्छे काम करेंगे, लैपटॉप भी देंगे, साइकिलें भी देंगे और भी बहुत सारे विकास के मुद्दे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। सरकार ने तो टैबलेट दिए हैं नौजवानों को? नहीं दिए, नहीं किसी को नहीं मिला, नहीं मिले, नहीं मिले ना टैबलेट मिले, और तो और काम धंधे से बेरोजगार दिए हैं सरकार ने, रोड पे आ गए हैं युवा, पकौड़े चल रहे हैं ग्रेजुएट बंदे, क्या करेंगे सरकार में? भर्ती वगैरह नहीं निकली है क्या? भर्ती नहीं है, यहाँ तक निकलती थी वो उसने डाउनवर कर दी है लॉक, भर्तियाँ निकल नहीं रही हैं। आने वाली सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? आने वाली सरकार हमारी आएगी, सपा सरकार आएगी और वो युवाओं को रोजगार दिलाएगी और सबको साथ लेके सबके साथ मिलकर काम करेगी। पिछले 5 साल में इस गांव के अंदर क्या क्या विकास हुआ? पिछले 5 साल में गांव के अंदर ये पूछो, विकास का मुद्दा जो होना था वो तो नहीं हुआ, जो खराब कर दिया या होना था। अब आप इस गाँव में भ्रमण करोगे तो आपको जगह जगह नालियों के फुब्बारे मिले होंगे, जगह नालियों गंदी डली है, पानी भर रहा है, भरा हुआ है और कई सारे घूरे भूरे मट्टी का पानी का निकास नहीं हो पा रहा है इस गांव का। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि राय ताल के पानी का निकास नहीं हो पाया इस समय तक, आज से जब से ये मेरी जब से मैंने अपनी जीवन नहीं होनी हमारी 20-22 साल की 25 साल की उम्र होगी मेरी, तब से देख रहा हूँ इस गांव का पानी निकलता ही नहीं, गाँव का गाँव में रहता है, इससे बीमारी बन रही है, बच्चों को बीमारियाँ लग रही हैं, बहुत सारे प्रदूषण पॉल्यूशन बहुत दिक्कत आ रही है, बीमारियों का पॉल्यूशन बन रहा है। कुल मिलाकर भाजपा सरकार एकदम ध्वस्त सरकार है। इसलिए आने वाली सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? आने वाली सरकार ये है, युवाओं को रोजगार दे, अच्छा काम करे, विकास के कार्य करे, अच्छे अच्छे कॉलेज बनाए, अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज बनाए, युवाओं को भर्ती कराए, बस यही उम्मीद करते हैं जी। आप क्या कहेंगे 22 में किसकी सरकार आनी चाहिए? 22 में अखिलेश सरकार आनी चाहिए। अखिलेश यादव की इस सरकार को दोबारा मौका देना नहीं चाहते क्या? नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? अरे अखिलेश भाई ने इतने विकास किए, एम्बुलेंस चलाई, 2 FUP चलाई और लाइटें बिजली फिटिंग सब चीज तैयारी रखी और उनकी रिपेयरिंग भी नहीं करा पा रही भाजपा सरकार। ठीक है, पिछले 5 साल में गांव में क्या क्या विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ है, रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है उस काम की। ठीक है, एम्बुलेंस पड़ी हुई है काफी हॉस्पिटल में, UP 112 करके वहाँ खड़ी कर दी, आज में कोई चीज की विकास नहीं है जी। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है और वो किसकी सरकार 22 में चाहते हैं। ये क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुन्नेश है। ये कौन सा गांव लगता है? राजा का ताल है जी। 22 में किसकी सरकार चाहते हैं और अपनी विधानसभा से कैसा प्रत्याशी पसंद करते हैं आप? प्रत्याशी मुकेश वर्मा है जो बीजेपी से आए हैं अभी इसी टाइम, मुकेश वर्मा जी। और जो है हम जो है सपा को ही चाहते हैं, क्योंकि हमने जो है 3-4 बार हमारी जो है पानी की ये टंकी घड़ी हुई है, करीबन 33 साल हो गई, 33 साल के समथिंग हो गई इस टंकी को खराब हुए, उसकी 4 बार कंप्लेंट दे चुके, पानी की कोई सुविधा भी नहीं है और यहाँ का जो फैक्ट्री एरिया ने प्रदूषित कर दिया है, नीचे का जल का जमीन का भी पानी बहुत दूषित कर दिया है और उसकी भी एप्लीकेशन लगी हुई है, कई बार लगा चुके हैं मगर उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई बीजेपी सरकार ने। पिछले 5 साल में इस गांव के अंदर क्या क्या विकास हुआ? विकास हुआ, लेटरिन बनवाई साहब उन्होंने, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें 3-3 जो है टाइम जो है लेटरिन नहीं कर पाई किसी बच्चे ने, 3,000 रुपये का उसमें मेंटेनेंस लगा हुआ है, उसमें क्या हो सकता है? फ्री आवास मिली है क्या इस गांव? फ्री आवास एक भी नहीं था, इस आवास जो गांव ऐसा सक्षम है इसके लिए जो है फ्री वाले तो इसमें कोई भी नहीं है जो फ्री आवास लेने के इच्छुक हो जी। राशन फ्री, गैस सिलेंडर फ्री, सरकार बात कर रही है कि हमने गैस सिलेंडर फ्री दिए हैं और जो है राशन हम फ्री दे रहे हैं। हाँ जी, आप राशन फ्री दे रहे हो वो तो आगे भी सरकार दे चुकी है और पीछे भी देंगे। राशन फ्री ने हमें कहाँ से दिया है? राशन फ्री जी क्या कहें, राशन हमें कहाँ से दिया है इन्होंने? DAP की बोरी 1200 रुपये की आ रही है, यूरिया 5 किलो उन्होंने कम कर दी, तो घुमा फिरा के राशन दे रहे हैं, देखा ना है यार राशन
कहाँ दे रहे हैं राशन आप बताइए। तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश की सरकार चाह रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार क्यों चाह रहे हैं? और उस सरकार जब आती है तो उससे क्या उम्मीद आप रख रहे हैं? हम ये उम्मीद रख रहे हैं बेरोजगारों को रोजगार मिले। इस सरकार का भी कहना है कि हमने रोजगार दिया है। कहाँ रोजगार दिया है? उन्हें तो आरक्षण सुधार नहीं रहे। उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती में 6800 बच्चों को OBC बच्चों को इन्होंने लिया नहीं और उन्होंने जनरल बच्चों को ले लिया। आज तक आरक्षण ही नहीं सुधारा, रोज लाठी खा रहे हैं ये विधानसभा लखनऊ में। जी क्या करें? जी मेरा कहना यह है, मैं भी किसान हूँ और मैं किसानों पर अत्याचार वहाँ पे जो देखा है, आपने भी देखा है और आपके मोदी जी ने भी देखा होगा और भी जो पार्टियों ने सबने देखा है कि आप नहीं चाहते कि किसान बचे, किसानों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ। वो तो बिल वापस ले लिया था मोदी। वापस लेने से क्या होता है साहब? पहले आप किसी को चाटा मार दो, बाद में सॉरी बोल दो, क्या उससे कुछ होगा? तो आप बताइए कहाँ व्यवस्था इन्होंने की है? पुलिस की भर्ती निकाली, वो भी सही तरीके से नहीं हुई। कोई पेपर आउट हो गया, टेट का भी पेपर आउट हुआ, द्वारा इन्होंने पेपर कराया, कोई सरकार में अनुशासन ही नहीं है इनका, बताइए आप। तो योगी जी कहते हैं कि कोई मुन्ना भाई जो है इस सरकार में बख्शा नहीं जाएगा, कोई पेपर लीक करेगा तो फौरन उसे जो है सजा दी जाएगी। तो आप ये बताइए पेपर लीक कैसे हुआ? पेपर लीक कैसे? आपकी जो सरकार सही थी, सख्त थी, वो पेपर लीक कैसे हुआ आप ये बताइए मुझे। पेपर लीक कैसे? मुन्ना भाई यहाँ कहाँ से गए फिर? जब आपकी सरकार 5 साल रही, 4 साल आपने सरकार को शासन किया, फिर भी पेपर आपने लीक करवाया, कैसे करवा दिया ये बताइए आप। पेपर लीक आपके यहाँ से तो हुआ, आपके उससे तो हुआ, आपके लोगों ने किया, आपने जिसको टेंडर दिया उसने पेपर लीक किया, आपने उसको टेंडर दिया क्यों बताइए आप। जी जी 2022 में आप किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश की सरकार। क्यों अखिलेश यादव की सरकार क्यों चाहते हैं? अखिलेश की सरकार में सब जनता नौकरी मिले, रोजगार मिले, किसी गरीब को रोजगार नहीं मिल रहा है, मजदूर परेशान हैं, किसान लोग परेशान हैं। इसमें आप कहते हो सिलेंडर फ्री मिला, कहाँ से मेरे फ्री मिला? 1000 रुपए का सिलेंडर भरा जा रहा है। किसान किस तरह परेशान जो है सरकार में नजर आ रहे हैं? किसान परेशान है। क्यों क्यों परेशान है? खेत में तक फसल में तक कुछ ले आई पा रहा किसान, गैया गेहूँ खा रही है, रात में झोंपड़ी डाट डाल के रह रहे हैं। आप लेटरिन में कुछ आइए तो देखे आप कट जाओगे खेतों में, तारों के सब फट जाएगा शरीर। ये थे हम राजा की ताल शुकाबाद विधानसभा में। यहाँ पर हमने लोगों से जाना उनका क्या राय थी और किसकी सरकार जो 2022 में वो चाहते थे, हमने उनसे सीधी बात करी। हमारे साथ नौजवान थे, नौजवानों ने भी अपने मुद्दे सामने रखे। हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे ही आपको लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करके दिखाते रहेंगे। मैं मकबूलुद्दीन, वॉइस TV UP, फिरोजाबाद।